आज हम बूंदी के लड्डू बनाएंगे। बूंदी के लड्डू बनाने की बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये। एक बार इस वीडियो को पूरा वॉच करिए और फिर आप देखिए बूंदी के लड्डू कितना आसान है बनाना। देखिए आपके मुंह में भी आ रहा है ना पानी बूंदी के लड्डू देखते ही, तो आप एक बार इस तरीके से बनाइए, आपको बहुत पसंद आएंगे। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस वरुण किचन। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे। बूंदी के लड्डू बनाने के लिए हमने एक कप शक्कर और एक कप पानी लिया है, इन दोनों को एक साथ डाल दिया है। और इसमें दो इलायची डालेंगे और इसमें थोड़ा सा नींबू डालेंगे, हाफ नींबू निचोड़ देंगे, जिससे कि चाशनी बनेगी ना हमारी बनकर तैयार वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी, इसलिए नींबू डालना बहुत ज़रूरी है। और इसको स्लो गैस पे हम रख देंगे कुक होने के लिए। देखिए इसमें थोड़ा सा हमने कलर डाल दिया केसरिया रंग, जिससे क्या बूंदी के लड्डू का कलर बिल्कुल मार्केट जैसा बनता है, जैसे बाजार में हलवाई लोग बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बूंदी के लड्डू बनके तैयार होंगे। चाशनी को हमें उतना ही कुक करना है, बस शक्कर जो हमने डाली है ना इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए, बस चाशनी बनके तैयार हो जाएगी इस तरीके से। देखिए चाशनी बनके तैयार है और हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको साइड कर देंगे। और अब हम बूंदी के लड्डू बनाने के लिए बैटर तैयार करेंगे। बेसन का बैटर बनाने के लिए हमने एक कप बेसन लिया है, इसको हमने पहले से ही छान के रखा हुआ है। और हम इसमें थोड़ा सा कलर डालेंगे, कलर डालना और आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका अच्छे से बैटर तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बहुत अच्छे से बैटर बना लेना है, जिससे कि इसमें लम्स नहीं बनने चाहिए, बैटर में बिल्कुल भी लम्स नहीं बनने चाहिए। और एक ही डायरेक्शन में हम इसको फेंटेंगे। देखिए इस तरीके से हमें फेंटना है। बैटर बन के तैयार हो गया, जैसे पकौड़े वगैरह बनाते हैं ना सेम वैसे ही हमें बैटर तैयार कर लेना है। और इसमें देखिए एक कप पानी लिया था, उसमें से हमें थोड़ा सा पानी बच गया है। देखिए बैटर बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो चुका है। और हमने कढ़ाई में घी गरम कर लिया है और अब हम इसके अंदर इसके पकौड़े से जैसे बनाते हैं ना सेम वैसे ही इसमें डालते जाएंगे, उसी तरीके से आज हम बूंदी के लड्डू बनाएंगे। देखिए बस हमें ऐसे ही डालना, बूंदी नहीं बनानी, बस ऐसे ही स्पून से डालते जाएंगे और इसमें ऐसे बड़ी बड़ी बूंदियाँ सी और या बड़े बड़े पकौड़े से थोड़े थोड़े इस तरीके से बन जाएंगे। तो बस आपको सिंपल आप कैसे भी डाल दीजिए, बस बन जाना चाहिए, छोटे छोटे बनने चाहिए। और दोनों तरफ से इसको हल्का सा इसको सेक लेंगे पलट पलट के। देखिए इस तरीके से हमें सेक लेना है। पूरे बैटर को इसी तरीके से हम कढ़ाई में डाल के सेकते जाएंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तभी हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये पकौड़े सेक चुके हैं, इनको हमने निकाल लिया है और हम दूसरा बैच भी इसी तरीके से डालेंगे। देखिए पकौड़े सेक के तैयार हो चुके हैं इस तरीके से। और हम पूरे ही बैटर को ऐसे थोड़े थोड़े करके हम सेक लेंगे। सारे पकौड़े बन के तैयार कर लिए हमने। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने अच्छे से सिके हैं ये। बिल्कुल छोटे छोटे पकौड़े बनाने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, बहुत ही अच्छे से सिक के तैयार हो गए ये, अंदर से भी बिल्कुल अच्छे से सिक चुके हैं। देखिए और हम इनको एक मिक्सर जार लेंगे और उसके अंदर डालेंगे, थोड़े थोड़े करके हम डालते जाएंगे और इसका बारीक बूंदियों जैसा पीस लेंगे इसको। बस इसको और मिक्सर में डालेंगे इसको, बस हमने थोड़े से ही डालना है, बहुत सारे एकदम से भर के नहीं डालने, वरना वो अच्छे से मतलब वो पेसेंगे नहीं, अच्छे से एकदम पेस्ट सा बन जाएगा। इसलिए हमें थोड़े से डालना है और ग्राइंड करते समय हमें ध्यान रखना है, ऑन ऑफ करते हुए हमें ग्राइंड करना है, एकदम लगातार नहीं ग्राइंड करना, ऑन ऑफ करते हुए ग्राइंड करेंगे तो इस तरीके से बारीक बारीक बूंदियाँ सी बन जाएंगी इसकी। देखिए आपको पता चल रहा है ना किस तरीके से दिख रही है आपको, तो इसी तरीके से बारीक बूंदियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत सिंपल है, आप इस तरीके से एक बार बना के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए हमने एक और बार हमने फिर से जार में डाल दिए पकौड़े और इसको भी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ऑन ऑफ करते हुए। देखिए ये भी हमने ग्राइंड कर लिया है। देखिए बूंदियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं इस तरीके से। सारी बूंदियों को हमें इसी तरीके से बना लेना है। देखिए बिल्कुल बारीक बूंदियाँ बनी है ना, देखिए मैंने आपको दिखा रही हूँ ना, देखो कितनी बारीक बूंदियाँ बनी हैं। हमने सारे पूरे पकौड़ों को हमने ग्राइंड कर लिया है। देखिए बिल्कुल बारीक बूंदियाँ बनी हैं, लग रहा है ना बिल्कुल बारीक बारीक बूंदियों जैसा। तो बस आपको भी इसी तरीके से बनाना है। और अब देखिए अब हम इसको चाशनी को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है गैस पर, और चाशनी में से हम इस इलायची को निकाल देंगे क्योंकि इलायची का फ्लेवर पूरा चाशनी में आ चुका है। और हम इसके अंदर जो बूंदियाँ हमने बना के रखी है ना, बस वही हम इसके अंदर डाल देंगे चाशनी में। 4 से 5 मिनट तक हम इसको गैस पे अच्छे से कुक करेंगे, इसको चाशनी के अंदर ही इन बूंदियों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अलट पलट करते हुए इसी तरीके से इसको 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे।
इससे क्या होगा कि बूंदियाँ जो है ना अच्छे से चाशनी को सोख कर लेंगे और बूंदियाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। देखिए कलर कितना प्यारा आया है ना इसका, और बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी बूंदियाँ। और हम इसमें एक चम्मच घी डाल देंगे, जिससे घी का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, एकदम अगर एकदम मोतीचूर के लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। अगर आप रिफाइंड में अगर बूंदियों को तलते हैं तो घी आप 2 चम्मच ज़रूर डालिएगा। मैंने तो घी में तली है, लेकिन फिर भी मैंने आपको डाल के बताया है कि हम ऊपर से घी भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। अब इसको हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, 2 से 3 घंटे के लिए हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। देखिए बूंदियाँ बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं और चाशनी को भी बहुत अच्छे से सोख कर लिया है। देखिए बूंदियाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं, बहुत ही बारीक बूंदियाँ अच्छे से बन के तैयार हुई है। इस तरीके से आप लड्डू एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना इस दिवाली पर, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अब इसमें थोड़ी सी हम इलायची पाउडर डाल देंगे और थोड़े से रोस्ट किए हुए मेलन सीड्स डाल देंगे, और आप चाहो तो अपनी चॉइस से आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और एक बार और अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है जिससे कि मेलन पूरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। एक बार आप इस तरीके से लड्डू बना के देखिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए हम इसको हाथ में लेंगे, गोल गोल लड्डू बनाएंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से गोल गोल बूंदी के लड्डू बन के तैयार है, बिल्कुल सॉफ्ट लड्डू बने हैं। चाशनी को बूंदियों ने बहुत ही अच्छे से सोख कर लिया है। देखिए क्या बढ़िया लड्डू बन के तैयार हुआ है ना, बिल्कुल सॉफ्ट लड्डू बन के तैयार हुआ है। मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कितना रस भरा इसके अंदर, बूंदियों ने रस को अच्छे से चूस लिया है। देखिए मैं आपको तोड़ के बताती हूँ, देखिए मन कर रहा है ना आपका भी खाने का इसको, तो आप अपने घर पे बनाइए। मैंने तो अपने घर बना लिए, आप भी इस दिवाली पे अपने घर पे बनाइए इस तरीके से बूंदी के लड्डू, आपको बहुत अच्छे लगेंगे और आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएंगे। मार्केट से तो सभी ले आते हैं बूंदी के लड्डू, इस बार आप दिवाली पे अपने घर पे अपने हाथों के लड्डू बना के सबको खिलाइए और दिवाली को इंजॉय करिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में सबको खिलाइए, सबको बहुत अच्छे लगेंगे। एक बार आप बनाइए तो सही, तभी तो आपको पता चलेगा, जब आपकी सब लोग तारीफ करेंगे ना तभी आपको अच्छा लगेगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके बाय, थैंक यू।